तो गाइस ये ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है ओप्पो के लेटेस्ट लॉन्च एनको बर्ड्स 2 एंड फाइनली आज हमारे पास आ चुके हैं। उल्टे से वेट कर रहा था इस प्रोडक्ट का। तो ये काफी कमाल के बर्ड्स दिख रहे हैं राइट। तो आज हम इसको अनबॉक्स के साथ रिव्यू कर लेंगे, तो अंटिल एंड वीडियो में बने रहिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। एंड अंडर जो 2000 वाला चीज है ना, वो काफी ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे अभी हो चुका है। ओप्पो, रियलमी, डीजो एंड एवरी ब्रांड आपको काफी कमाल के एयरबड्स दे रहा है। स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के साथ। तो गाइस पहली बार गाइस ओप्पो की पैकेजिंग कुछ इस तरह से आपको मिलेगी आउटसाइड से। एंड ये हमने फ्लिपकार्ट से नहीं, ओप्पो की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज किया। चाहे तो आप फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं इसको। तो आपको यहाँ पे ओप्पो स्टोर मिल जाएगा एंड इको फ्रेंडली पैकेजिंग यूज की हुई है। सभी जगह ओप्पो 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 लिखा हुआ है। तो चलिए बिना किसी डिले के पैकेज रिमूव करते हैं। ये रही इनवॉइस एंड ये रहे एनको बर्ड्स 2। तो गाइज प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम यहाँ पे हैंड में लेने के बाद जो ओप्पो वाली फीलिंग नॉर्मली आती है वो नहीं आ रही। एंड ये एक बजट ओरिएंटेड ईयरबड्स हैं ओप्पो की ओर से, एनको बर्ड्स का सक्सेसर वर्जन। पीछे की तरफ की हाईलाइट के अलावा मैन्युफैक्चरिंग डिटेल दी जाएगी, साइड में ब्रांडिंग एंड ऑल दैट। सामने की तरफ आपको प्रोडक्ट मिलता है एंड अनफॉर्चुनेटली एक ही कलर यहाँ पे अवेलेबल है। तो गाइज टू बी वेरी फ्रैंक, कई बार जो रियलमी यूज करता है पैकेजिंग, आपको उस टाइप की पैकेजिंग यहाँ पे मिलेगी। मेरे को कुछ नया नहीं लगा। सामने की तरफ आपको प्रोडक्ट यहाँ पे प्लेस मिल जाएगा, बाद में बात करेंगे। अलग से सेक्शन दिया गया है नीचे जहाँ पे एक्स्ट्रा एडिप्स एंड एक बुकलेट मिलती है। चार्जिंग केबल भी नहीं दी हुई यार, कुछ तो श्रम कर लो ओप्पो। मेरे को ऐसा फील हुआ कि ओप्पो की पैकेजिंग इतनी कुछ स्पेशल नहीं थी। ये जस्ट लाइक रियलमी और डीजो का जो बॉक्स होता है उस टाइप का मिल रहा था, बट ओप्पो की पैकेजिंग अभी तक आती थी सॉलिड बॉक्स के साथ, जो कि इसमें नहीं थी। ना तो आपको चार्जिंग केबल मिलेगी, ना ज्यादा बुकलेट मिलेंगी, एक बुकलेट एक्स्ट्रा एडिप्स एंड आपका ये प्रोडक्ट। एंड जब आप इसको होल्ड करेंगे ना, काफी ज्यादा प्लास्टिक के साथ ये रैप था, मैंने निकाल लिया। एंड आपको थोड़ा अलग सा डिजाइन देने के लिए ट्राई किया ओप्पो ने। ये राउंड केस आपको मिलेगा साइड में अलग से हाइलाइटेड सेक्शन के साथ, जो कि ग्लोसी है। वैसे तो पूरा केस आपको दिया गया है मैट फिनिश के साथ, जिसमें बड़ी बड़ी सामने ओप्पो की ब्रांडिंग दिख जाएगी। नीचे की तरफ आप स्लाइड करेंगे तो आपको मिलता है एक चार्जिंग पॉइंट एंड उसके बगल में जस्ट एक LED इंडिकेटर जो कि बैटरी को इंडिकेट करेगा। पीछे की तरफ कुछ SR वैल्यू एंड ऑल दैट लिखा हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है वो है ये अंदर रखे हुए ईयरबड्स। तो सिर्फ एक कलर में अवेलेबल है, जो कि बता चुका हूँ, ऑप्शन नहीं है आपके पास, यही लेना पड़ेगा। एंड जब आप ईयरबड्स के अंदर देखेंगे ना, लाइक केस के अंदर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट आपको मिलता है एक नॉर्मल से डिज़ाइन के साथ, बट यहाँ पे भी डुअल टोन डिज़ाइन ओप्पो ने दिया है, जो कि पीछे वाला जो केस है या डंडी बोलूँ इसकी, तो ये दी गई है आपको एक मैट फिनिशिंग के साथ। अलग से टच सेंसर हाइलाइटेड है, जहाँ पे अगर मैं इनर सेक्शन की बात करूँ या जो सेक्शन आपके कान में अंदर जाएगा ना, वो आपको दिया गया ग्लोसी एंड राइट एंड लेफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एंड सिलिकॉन के एडिप्स यहाँ पे मिलते हैं। तो ये तो था फिजिकल लुक, बट अगर इन ईयर फिटिंग पे मैं आऊँ कैसी है यहाँ पे इन ईयर फिटिंग, तो आपको थोड़ी ठीक ठाक इन ईयर फिटिंग मिल जाती है। एंड मैं इन ईयर फिटिंग से इतना हैप्पी नहीं हूँ, क्योंकि जो ये ईयरबड है लेफ्ट वाला, ये कान से बार बार पॉप आउट हो रहा है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे कमेंट कर लीजिए, आपको कुछ नहीं जाएगा। प्रोडक्ट आ गया आपके पास, लुक देख लिया, डिजाइन देख लिया, एंड आगे इसको कनेक्ट करते हैं अपने फोन के साथ। एंड लकीली हे मेलोडी ऐप जो है वो ये सपोर्ट करेंगे। सिंपली आपका केस आपको ओपन करना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए। फोन के ब्लूटूथ सेक्शन में ऑप्शन आ जाएगा कनेक्ट करने का, एंड वैसे फास्ट पेयरिंग सपोर्ट करते हैं। जस्ट ओपन कीजिए, फोन में ऑप्शन आएगा एंड ये कनेक्ट हो जाएंगे आपके स्मार्टफोन के साथ। उसके बाद चाहे तो आप हे मेलोडी ऐप पे जाके इसके फीचर फंक्शन को थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर योर नीड। एंड जो गेम मोड यहाँ पे करके आता ना, वो सिर्फ एप्लीकेशन से इनेबल होगा। ये तो थी सब प्रोडक्ट की फिजिकल लुक एंड एवरीथिंग की बात, बट क्या क्या फीचर फंक्शन के साथ ये प्रोडक्ट आपको मिलते हैं तो मैं वो आपको बता देता हूँ। तो 10mm के ड्राइवर के साथ आते हैं ये एनको बर्ड्स 2, जहां पे आपको मिलता है 28 आवर्स का बैटरी बैकअप विद केस एंड 6-7 घंटे आपको सिंगल चार्जिंग में या ईयरबड से मिल जाएगा। 5.2 की कनेक्टिविटी है, IPX4 है, तो सिर्फ स्वेट रेजिस्टेंट है।
वोटर रेजिस्टेंट नहीं है, तो बारिश से ध्यान रखना। देन ओप्पो बोलता है आपको दिया गया है AI फॉर नॉइस कैंसिलेशन, ANC का नाम चेंज करके बोला गया है, एंड 88 ms की लेटेंसी है। उसके अलावा 10 मीटर की आपको रेंज मिल जाएगी, एंड यूनिक बेस फ्लैश कनेक्ट, वैसे वैसे फीचर बोल रहा है ओप्पो, बट सिर्फ फीचर्स के लिए यही था। तो अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट को टेस्ट करें तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एंड कॉम्पैक्ट साइज है, इतना बड़ा डिज़ाइन नहीं है, बट जो ईयरबड्स हैं वो थोड़े बड़े दिए गए हैं नॉर्मल साइज से। 10 mm के ड्राइवर को टेस्ट करने के लिए हमने डिफरेंट म्यूजिक एंड मूवीज यहाँ पे प्ले आउट की हैं, तो जो कि ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली है। मुझे लगा एक पॉइंट के लिए कि जो वोकल साउंड की क्लैरिटी है वो कुछ ज़्यादा ही है, देन बेस वगैरह थोड़ा मिस आउट हो रहा है, तो मैंने बेस बूस्ट पे यहाँ पे यूज़ किया इसको, देन इसकी लोकल या मैं बोलूँ रेगुलर साउंड, तो बेस बूस्ट मेरे को थोड़ा बेटर लगा। तो अगर आप बेस के दीवाने हैं तो बेस बूस्ट यूज़ कर लीजिए। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें कि किस टाइप का आउटपुट मिलेगा, तो एग्जाम्पल यहाँ पे है। तो गाइज आई होप आपने 4-5 सेकंड के लिए जो गाना सुना वो एंजॉय भी किया होगा। तो गाने वगैरह या मूवीज वगैरह के लिए परफेक्ट हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। टच सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं तो आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे कि जो भी आपको कन्वीनियंट लगे लेफ्ट या राइट ईयरबड पे जो भी चाहे वो कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें म्यूजिक नेक्स्ट म्यूजिक प्रीवियस म्यूजिक प्ले पॉज वगैरह के फीचर फंक्शन यहाँ पे एड ऑन होते हैं, तो वो आप चेंज कर लीजिए। वैसे मैंने कुछ चेंज किया, सिंगल टैप वाला फंक्शन यहाँ पे इनेबल नहीं था, तो सिंगल टैप फॉर पॉज एंड प्ले कर दिया, देन डबल टैप फॉर चेंज म्यूजिक कर दिया, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। एंड एक्यूरेसी टच सेंसर की काफ़ी मज़ेदार है, तो ओवरऑल म्यूजिक एक्सपीरियंस इन ईयरबड्स पे काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, एंड आपको बजट में काफ़ी ज़बरदस्त ईयरबड्स मिलते हैं। रही बात अदर चीज़ की, जैसे कि गेम मोड हो गया, गेम मोड भी तो टेस्ट करना है राइट। तो गेम वाइज मैं अगर बात करता हूँ तो 88 ms की लेटेंसी है। स्टार्टिंग में बताया था कि एप्लीकेशन ही आप यूज़ करेंगे चेंज करने के लिए, तो एप्लीकेशन से ऑन किया, कुछ प्ले किया जो मुझे नहीं आता है, पबजी में सिर्फ ट्यूटोरियल वगैरह में जाके देखा, एंड जो लेटेंसी थी वो काफ़ी मिनिमल थी, इतना नोटिस नहीं होगा। 88 ms नाम है, बट जो लेटेंसी अदर ईयरबड्स क्लेम करते हैं ना 50 ms के अराउंड, तो वही आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो कैजुअल गेमिंग डेफिनेटली आप कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो गाइस सभी चीज़ें तो हो गई, एंड एक चीज़ बचती है जो कि इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी है, तो माइक्रोफोन ऐसे टेस्ट नहीं कर लेंगे, तो उसके लिए करते हैं फैन एंड एसी ऑन। तो गाइस फैन ज़्यादा नॉइज करता है एसी के मुकाबले, तो एंड मोस्ट ऑफ के घर में फैन ही होता है, एसी इतना नहीं होता, तो फैन भी होने एसी भी होने, साउंड आउटपुट कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा, जो कि आपको कमेंट करके बताना होगा, वैसे नहीं बताएंगे कमेंट कीजिए। इससे पहले मैं साउंड का एक्सपीरियंस या माइक्रोफोन का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जो नीचे सब्सक्राइब बटन है रेड कलर में प्रेस कर दीजिए अगर नहीं किया अब तक, बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो अब बात करते हैं इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी की। तो ENC जो दिया गया ना सिर्फ नाम के लिए नहीं दिया हुआ है, काम भी करता है, एंड काम आपका इतना करता है कि एसी एंड फैन जो दोनों चल रहे थे उनकी वॉइस को 30-40% डिक्रीज कर दिया। वैसे हद से ज़्यादा वॉइस आती है, अगर मैं माइक्रोफोन यूज़ करूँ ना तो आप कंप्लेन करते करते नहीं थकेंगे कि वॉइस क्वालिटी काफ़ी बेकार है, तो इस टाइप का कोई एक्सपीरियंस मिलेगा, बट ये थोड़ा वर्क करेगा एंड डिसेंट आपको माइक्रोफोन मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट के सभी चीज़ें हमने कवर कर ली, अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट कर सकते हैं, बट अभी हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो लुक डिज़ाइन काफ़ी मज़ेदार है, एंड थोड़ा अलग यूनिकनेस क्रिएट करने की ट्राई किया ओप्पो ने। ओप्पो का आपको भरोसा मिल जाता है, एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है, जो फीचर फंक्शन दिए गए हैं वो भी कुल मिला के ओके है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, जो कि इसकी इन ईयर फिटिंग जो इम्प्रूव हो सकती थी। इन ईयर फिटिंग पे थोड़ा काम और होना चाहिए था, जिससे कि सबके ईयर में ये फिट हो जाए, मेरे को प्रॉब्लम लग रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देन गेमिंग वाइज भी अच्छे हैं, कॉलिंग वाइज भी अच्छे हैं, एंड कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, तो वो मेरे को काफ़ी प्लस पॉइंट लगता है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट मज़ेदार, बेहतरीन एंड अमेजिंग है, आप इसको परचेज कर सकते हैं डेफिनेटली, एंड ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय।